हेलो गाइज, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइज, आपका स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग पे। तो गाइज, आज का दिन है सैटरडे और आज मैं सुबह 5 बजे उठा। 5 बजे उठने के बाद पोपी को रेडी किया स्कूल जाने के लिए। तो फिलहाल उसको स्कूल छोड़ के जस्ट अभी काशीपुर आ चुका हूँ और ब्लॉग का शुरुआत करते हैं यहीं से। तो गाइज, आप अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो चलिए गाइज, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और गाइज, सुबह सुबह इतनी ठंडी है ना, मत पूछिए। मतलब ठंडे कारण बार बार सर्दी लग जा रही है और सुबह शाम को ही ठंडी लग रही है, दोपहर को पूरा गर्मी। वेदर पूरा पूरी चेंज है और सर्दी भी हो गई है। तो खैर, चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग। तो गाइस, 9 बज गए हैं और 9 अभी खड़े हैं काशीपुर में ही। छुट्टी होगी 10 बजे और तब तक वेट करना पड़ेगा यहीं पे। फिलहाल तो हूँ यहाँ पे चटर्जी मेडिकल हॉल में, मेरे फ्रेंड का ही दुकान है। तो यहीं कुछ देर बैठते हैं, वेट करते हैं। तो आज स्कूल से वापस आ गया घर, और घर आने के बाद नाश्ता तो कुछ किया नहीं है रास्ता में। तो पहले नाश्ता कर लेते हैं। तो अभी तो कुछ बना भी नहीं है, तो सोचते हैं आज जो पोपी के लिए केक खरीदे थे, तो पोपी पूरा खाए नहीं, हमेशा के लिए पूरा खाते ही नहीं है, तो कुछ रख दिए, तो इसी को खा लेते हैं आज नाश्ता में। और अभी उसको दवाई लेने भी जाना है, सोना था तो वहाँ भी चलेंगे तापस के साथ। तो अभी फ़िलहाल से इसको कम्प्लीट करते हैं खाना खा के, उसके बाद जाते हैं सोना थली, उसके बाद दवाई लेके आएंगे। तो चलिए ले लिए ब्लॉक पे। तो गाइस, निकल चुके हैं घर से नाश्ता करके और अभी जो है रोड में ही है, तो जा रहे हैं अभी सोनाथली की ओर। वहां से दवाई लेंगे पप्पी के लिए और फिर वहाँ से घूम के आते हैं। तो चलिए चलते हैं सोनाथली। ये रहा तापस फोन में बात करते हुए। ओए, तो गाइस फाइनली घर आ चुके हैं। बज रहे हैं 1 बज रहे हैं अभी। तो अभी नहाएंगे और ये देखिए बाल का हालत, पूरा टोपी पहनने का पूरा कड़ा हो जाता है बाल। तो चलिए नहाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे, बात करते हैं। तो आज बढ़िया सब्जी बना है, मोरिंगा मोरिंगा का सब्जी। अरे क्या पकने वाला है इसमें? और ये खिलौना लाए हैं पोपी की दादी पोपी के लिए, और ये पोपी ने आते आते तोड़ दिया इसको, ये टूट गया है, इसको फिर से ज्वाइंट करना पड़ेगा।
बन के रेडी है ये ब्रोकली का सब्जी। तो गाइस ब्रोकली भुंज लिए बढ़िया से, मैंने खुद ट्राई किया भुंज के और टेस्ट करके देखते हैं इसको। अरे खुलचे, तो एक पार्सल आ चुका है अमेजन से, मेरे वाइफ ने ऑर्डर किया था। ये प्योर स्किन नीम फेशियल किट 215 या 150 रुपये पड़ा। देते हैं इसको, ठीक है चलो देख रहे तुम वो भी नहीं पढ़ते लग। तो गाइस शाम का टाइम है, बज रहे हैं 6 और सो के बढ़िया फ्रेश हो लिया क्योंकि रात को अच्छे से नींद हुई नहीं थी। सुबह ओपी कारण जल्दी उठना पड़ जाता है तो सो लिए और अभी उठ के और मेरी वाइफ बना रही है चावल का रोटी जो कि मेरा फेवरेट है, तो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो चावल की रोटी और आलू का दम लगे, आलू का दम जो कि भाई साहब मज़ा आता है खाने में। तो अभी बन रहा है चावल की रोटी, तो ये बन रहा है चावल की रोटी, खाने में तो भाई साहब लाजवाब है इसका टेस्ट। यहाँ आटा गुथा हुआ है चावल का, एक तवा में सेका जा रहा है तेल के साथ, नहीं घी के साथ। और अभी आलू का दम बनने वाला है, बहुत टेस्टी टेस्टी रहा है खाना बना रही है, क्या बात है। मन कर रहा है क्या, हम लोग का एनिवर्सरी रहा है इसीलिए अच्छा वाला गिफ्ट मिलेगा। अच्छा वाला गिफ्ट मिलेगा, हाँ जरूर देंगे। क्या चाहिए गिफ्ट में बोलो। ऐसे ही बोल रहे हैं, नहीं कुछ तो लेना पड़ेगा, बोलो बोलो। साड़ी, साड़ी एकदम जरूर देंगे, इतना अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया पकवान बना के खिलाती हो, इतना ख्याल रखती हो, एनिवर्सरी में धमाका हो जाएगा है ना। तो गया आ चुका चावल की रोटी, बहुत ही टेस्टी बनता है इसको, फिर खाते एक। ऐसे ही में इतना टेस्ट है। तो चलिए गाइस, रोटी तो बहुत टेस्ट लगा, खाना वाना भी खा लिया, तो फिलहाल चलते हैं, ब्लॉग को इन करते हैं यहीं पे, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट ब्लॉग पे। तो नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए और इस भाई को दिल से सपोर्ट कीजिए। चलिए बाय बाय।